हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट इन खूबसूरत पहाड़ों से एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ आपका। सो गाइज, आज का सीन ऐसा है ना, अभी जो समय हो रहा है दोपहर के करीब 2 बजे का, और जो आज आपके लिए वीडियो आने वाली है वो आने वाली है होम स्टे की रिगार्डिंग, होम स्टे से रिलेटिव। तो जो होम स्टे है अमित भाई का, तो अमित भाई कह रहा था बहुत टाइम हो गया एक वीडियो डाल दे होम स्टे की। तो मैंने भी सोचा आजकल कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है, डेली आपके लिए ब्लॉग कुछ ना कुछ लाते रहता हूँ, तो अब मैंने सोचा कि आज आपके लिए होम स्टे की वीडियो ले आता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको मौसम दिखाता हूँ, जो आज मौसम बना हुआ है पहाड़ों पर। मौसम को देखिए, मौसम काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, आसमान में बादल लगे हुए हैं। सुबह के समय में तो धूप आ गई थी और दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते आसमान में बादल आ चुके हैं। कल की बारिश की वजह से ठंडा भी हो रहा है, तो मौसम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो जी, मौसम नज़ारों की तो बात हो गई है, कैसा लगा आप लोगों को पहाड़ों का आज का मौसम मुक्तेश्वर का, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलता हूँ मैं सीधे अमित भाई के घर पे, अभी उनके घर के ऊपर ही हूँ, तो उनके घर पे चलते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी होम स्टे की वीडियो और देखते हैं क्या नया कर रखा है और क्या नया आप लोगों के लिए आज होम स्टे वीडियो में आने वाला है, तो वहीं चल के पता चलेगा। सामने नीचे में रहा घर, हिल्स लाइक लोअर होम स्टे, तो चलते हैं वहीं पर और देखते हैं क्या कुछ नया है। तो गाइस, घर के पास ही आसपास जो खेत देख रहे हैं ना, जो कल बारिश हुई उनकी वजह से थोड़ा सा नमी मिल चुकी है खेतों को। जितने भी सारे खेत दिख रहे हैं इनमें लगी हुई है मटर, ये है गर्मी की फसल, और बारिश होने से ना काफ़ी अच्छा हो गया है। गर्मी में अगर आप यहाँ पर आते हैं होम स्टे में विजिट करते हैं, तो आपको इन खेतों की ऑर्गेनिक जो इन पर सब्ज़ियाँ हुए रहेंगे, यहाँ पर फ्रूट्स हुए रहेंगे, उनका स्वाद मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप पहाड़ों को पसंद करते हैं तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। जो पहाड़ों की रियल लाइफ होती है, हमारी मुक्तेश्वर की जो मुक्तेश्वर विलेज की जो रियल लाइफ होती है ना, वो यहाँ आके आपको महसूस होगी और आप उसको समझ भी पाएंगे। तो फ्रेंड, फाइनली पहुंच चुका हूं होम स्टे पे, और सबसे पहले तो आपको कुछ शानदार फ़ोटोज़ देता हूं, कुछ शानदार शॉट्स देता हूं होम स्टे की, और साथ में जो यहां से व्यू आ रहा है व्यू भी आपको दिखाता हूं। तो गाइज, विंटर सीजन में जनवरी के महीने में जो व्यू आ रहा है अभी होम स्टे से, कितना खूबसूरत और व्यू देखने को मिल रहा है, सामने का नज़ारा और आसमान देखिए मस्त बादलों से घिरा हुआ है, तो ना सीन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अगर स्नोफॉल हो जाती है तो होम स्टे के आसपास का जो व्यू है और होम स्टे का जो नज़ारा है उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, व्यू आपको मैंने दिखा दिया और होम स्टे का वीडियोज है और फोटो सैंपल हैं वो भी आपको दिखा दिए हैं। तो अब बात करते हैं होम स्टे में नया क्या हो रखा है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या नया यहाँ पे हुआ है, और एक तरह से आप बात करूँ तो पूरा होम स्टे ना कम्प्लीट हो चुका है। जो भी यहाँ पर काम बचे हुए थे, बचे खुचे जो भी काम थे, वो सारे कम्प्लीट हो गए हैं और एकदम नीट एंड क्लीन होम स्टे रेडी है। तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको और पिछले वीडियो में भी आप देख चुके हैं किस तरीके का लुक है। पहले तो पेंट कुछ और था, नया पेंट स्कीम इस पे कर दी है और जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और नीचे के कमरों के डोर वगैरह भी चेंज कर दिए, नए डोर उस पे लगा दिए हैं, और अंदर का जो जैसी सिचुएशन है, अंदर कैसे रूम है, वो सारे मैंने आपको दिखाए हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ दिखाया है। और बगल में जो एक किचन बन रहा था नया वाला, ये किचन भी कम्प्लीट हो चुका है और सेल्फ किचन है ये। आप जैसे रूम लेते हैं ऊपर या नीचे, कोई भी रूम लेते हैं, आपको अलग से किचन चाहिए तो उसके लिए यह आपके लिए यह किचन रेडी कर दिया है। तो चलता हूँ एक बार किचन के अंदर, दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो गाइस, जैसे ही किचन के अंदर आते हैं ना, पूरा एकदम रेडी हुआ है। ऊपर रैक वैक बना दिए हैं मसाले और बर्तन रखने के लिए, फ़िलहाल तो बर्तन रखे नहीं हैं, गैस पे यानी कि चूल्हा लगा दिया है, एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगा दिया है।
अगर आप लोगों को रूम के साथ सेल्फ किचन चाहिए तो उसकी सुविधा भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और यही आपका सेल्फ किचन रहने वाला है जिसपे आप अपनी इच्छा से जो भी कुछ बनाना चाह रहे हैं। और घर का अगर खाना खाना है तो एक किचन तो यहाँ पर है ही जिससे घर का खाना हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। तो अगर नए की बात करूँ, एक तो ये नया कम्प्लीट कर दिया है, तो चलता हूँ बाहर की तरफ। बाकी आसपास का ग्राउंड वगैरह ये सब पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ, कितना स्पेस है, क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारे कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कुछ ऐसा सीन है दोस्तों, रूम तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक राउंड और दिखा देता हूँ रूम अंदर से कैसे हैं। और फायर ब्रिगेड यहाँ पर लगा हुआ है, साथ ही उत्तराखंड टूरिज्म जो है ना उसकी तरफ से भी हमें यह लाइसेंस मिल चुका है। काम यहाँ पर एकदम क्लियर हो, ये देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट है होम स्टे रजिस्ट्रेशन का, वो उत्तराखंड बोर्ड के जरिए हमें मिल चुका है। तो एक राउंड में ये वाला रूम खोल देता हूँ और हल्का सा आपको अंदर का दिखा देता हूँ फिर से। तो दोस्तों रूम के अंदर आ चुका हूँ और रूम की डेकोरेशन आप देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रूम है। बेड लगा हुआ है आसपास, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। सामान वामान रखने के लिए अलमीरा लगी हुई है, साथ में अटैच इसमें यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, वो सब चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक केटल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है शानदार मिरर जिसमें आप अपने को देख सकते हैं। और ये रहा टॉयलेट एरिया जहाँ पर सब कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं सारी लगी हुई हैं। ये कोई होटल नहीं है, कोई रिजॉर्ट नहीं है, होम स्टे है, पहाड़ घर घर से दूर एक अपना घर। और यहाँ पर भी आपको अपने घर जैसी ही फील आने वाली है, साथ में पहाड़ों की रौनक तो आपको महसूस होने ही वाली है। तो कुछ ऐसा सीन है रूम का, दोनों रूम नीचे के ऐसे ही हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, और आज भी ये वाला रूम दिखा दिया है, बगल वाला भी सेम ऐसा ही है रूम, एकदम नीट एंड क्लीन। तो कुछ ऐसा सीन है दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको बताया, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ किचन आप लोगों को नहीं चाहिए, घर का ही आपको खाना खाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक खाना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे हमारे जो कस्टमर यहाँ पे आए हैं ना, वो इस घर के खाने को खा के काफ़ी संतुष्ट हुए हैं और बहुत तारीफ कर रखी है घर के खाने की, क्योंकि एकदम नेचुरली जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, दालें हैं, वो हम लोग देते हैं अपने घर के ही खेतों से। तो वो आपको इस किचन में मिलेगा। अगर सेल्फ किचन आपको नहीं लेना, आपने घर का खाना खाना है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास किचन बना हुआ है, यहीं से बना के हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी पूरा होम स्टे एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम फुल्ली फर्निश्ड रेडी हो चुका है। और आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, पहाड़ों में आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट नंबर में दिया हुआ हूँ उस पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस होम स्टे हिल्स लाइफ लवर होम स्टे की बुकिंग साइट्स हैं, उन पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं और अपना टूर बुक कर सकते हैं। क्या पैकेज रहने वाले हैं, क्या चार्जेस रहने वाले हैं, वो सब आप जब कॉल करेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको सीज़न के हिसाब से पता चल जाएगा कि किस प्रकार की सिचुएशन में कैसे चार्जेस रहने वाले हैं, तो आप कॉल करके ज़रूर पता कर सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, शहरों से दूर अगर कभी आपको पहाड़ों में आने का मन करता है, मुक्तेश्वर में आने का मन करता है, और शांति चाहिए, एकदम घर से दूर एक अपना घर सा महसूस करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक आप लोगों को खेती देखनी है, घर की दालें, घर की सब्जियाँ आप लोगों को खानी है, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिए, और कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का यहाँ पर रहता है वो बाद में आप शेयर ज़रूर करेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सुख मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, और एकदम आपको अपने घर की फील आने वाली है। तो कुछ ऐसा सीन है, अभी ग्राउंड पे हूँ मैं, एक राउंड चलूँगा ऊपर, जो ऊपर काम चला हुआ था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अंदर बेड वर्ड सारे लगा दिए हैं, तो एक बार ऊपर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऊपर का सीन कैसा है। एक बड़ा रूम है, फैमिली रूम भी हम बोल सकते हैं, और आप अगर ग्रुप में आ रहे हैं, यहाँ पर 10-15 लोग हैं, तो भी आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। तो चलूँगा ऊपर की तरफ और आपको दिखाता हूँ। बाकी गाइस अभी अभी धूप भी निकल चुकी है, तो जाड़ों की गुनगुनी धूप काफ़ी अच्छी लग रही है। होम स्टे ना बेस्ट लोकेशन पे है, यहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। आजकल जाड़ों के दिन है तो आजकल धूप सेकने की बहुत लगती है, तो सुबह से आप लोगों को शाम तक की यहाँ पे धूप देखने को मिलेंगी, और आराम से पहाड़ों की इस हल्की सी ठंडक में गुनगुनी धूप का आप आनंद ले सकते हैं, इस खूबसूरत से बड़े से ग्राउंड में बैठ के। तो चलिए गाइस चलते हैं ऊपर, नीचे का जो भी था वो मैं आपको बता चुका हूँ, और पहले की वीडियो भी आप देखिए, बहुत कुछ पहले की वीडियोस में भी मैंने दिखाया हुआ है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर के रूम आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि बेड वेड पूरे वहाँ पे लग चुके हैं, रूम एकदम रेडी हैं।
तो चलते हैं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ। तो गाइस ऊपर एंट्री होते ही सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा, हम इसको फैमिली रूम बोलते हैं, फैमिली रूम के बाहर की बालकनी में एंट्री होती है, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं आराम से सुबह बैठ के ना आप इस तरफ से होता है सनराइज़, उसका आनंद ले सकते हैं, आसपास की नेचर को फील कर सकते हैं, क्योंकि सामने पूरा गांव का ही माहौल है। चाहो तो आप गांव में भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ है जंगल और जंगल ट्रैकिंग भी आपकी हो सकती है। और दोस्तों आसपास ना पूरा आड़ू का बगीचा है। अब अभी तो विंटर सीजन है, गर्मियों का सीज़न आने वाला है। आप यहाँ पर बालकनी से ही बैठ के, पास में जो फल लगे हुए हैं ना, एक पेड़ तो यहीं पे है, यहीं से इसको तोड़ सकते हैं फलों को। और यहाँ पे एक नाशपाती का पेड़ भी है ये वाला। बाकी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आड़ू का बगीचा है और सीज़न आने ही वाला है इनका। बाकी दूसरी तरफ जो खेती हो रही थी वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, खेतों में जो ऑर्गेनिक सब्जियां लगी हुई हैं उनका भी आप स्वाद ले सकते हैं। तो फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ के बात करते हैं अपने होम स्टे के इस ऊपर वाले सेशन की। तो अभी बालकनी पे खड़ा हूँ, चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही इस मेन डोर से हमारी एंट्री होती है ना, अंदर एक बड़ा सा हॉल है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। तो बेड वेड पूरे यहाँ पर लगा दिए हैं, एक डबल बेड यहाँ पर लगा हुआ है, एक डबल बेड वहाँ पर लगा हुआ है। और सुविधा की बात करूँ तो डबल बेड की दोनों तरफ, बाएं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको स्विच बोर्ड मिल रहे हैं, ताकि आप अपना फ़ोन वोन चार्ज करें या फिर इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो यहाँ पर रखी जाती हैं उनको आप यूज़ कर सकें। तो बेड वेड लगे हुए हैं और पूरा नीट एंड क्लीन, दीवारें देख सकते हैं, ऊपर छत एरिया देख सकते हैं, कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लीन, पूरा जो नीट एंड क्लीन। पहाड़ों में ना ऐसे होम स्टे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप बहुत जगह आपने चेकआउट किया होगा, और एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर भी आके देखिए, और यहाँ की जो साफ़ सफाई है, यहाँ का जो माहौल है उसको देख के आप भी ज़रूर दोबारा यहाँ फिर से आना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा सीन है इस रूम का, बड़ा सा रूम, बड़ी सी विंडो लगी हुई है जिससे आप बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो कर्टन हटाता हूँ फिलहाल, और देखिए कितना शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का ये रूम है, और साथ ही में इसके एक बगल में एक रूम और है, सिंगल बेड वहाँ पे लगा हुआ है, अलमीरा लगी हुई है आपके जो आपका जो भी सामान है उनको रखने के लिए। और काफ़ी बड़ा रूम है, बड़ा एरिया है, तो आपकी बड़ी फैमिली है या फिर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो भी आप आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा बेड भी मिल जाएंगे इन बेडों के अलावा भी, और मिरर वगैरह तो लगा ही हुआ है। तो आ चुका हूँ सिंगल रूम में, और पहले भी ये दिखाया, पहले ना ये वाला रूम रेडी हुआ था जिस सिंगल बेड वाला, इसके यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम है, अलमीरा लगी हुई है। उसके बाद कुछ काम रह गए थे तो यहाँ पे डबल बेड वगैरह दो बेड लगा दिए हैं, और जो भी है एकदम क्लीननेस है रूम में। और इस पे भी एक बड़ी सी विंडो आपको मिल रही है इस रूम पे भी, इससे भी आप विंडो को आप पर्दे वर्दे हटा के ना बाहर के सीन्स का मज़ा ले सकते हैं, ये देखिए। और विंडो के जैसे ही हम पर्दे हटाते हैं तो आगे हमें एक बड़ी सी टेरिस देखने को मिलती है, जहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन वगैरह सुबह के समय में कर सकते हैं। और सुबह जब सनराइज़ होता है ना तो काफ़ी शांति महसूस होती है, आसपास बर्ड्स वगैरह चिड़ियाँ वगैरह आए रहती हैं, तो उनका चहचहाना ये सब आपको यहाँ पर फील होने वाला है। फिलहाल तो अभी काफ़ी बढ़िया सी धूप आ रखी है। तो कुछ ऐसा सीन है इस रूम का, जो ऊपर वाले फैमिली रूम हम इनको बोलते हैं, एक सिंगल रूम और एक साथ में बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा हॉल जिसपे बेड लगे हुए हैं और एक्स्ट्रा बेड भी लगेंगे, और इन दोनों का एक ही यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हैंडल खोलते हैं और बाथरूम में हमारी एंट्री होती है। बाथरूम में एंट्री होते हैं ना एकदम शहरों वाली आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, गीजर लगा हुआ है, ऊपर शावर लगा हुआ है, विंडो मिल रही है, और नीट एंड क्लीन दीवारें हैं, नीट एंड क्लीन फर्श है, देख सकते हैं सिंक लगा हुआ है, साथ में मिरर लगा हुआ है, और हैंड वॉश के लिए के तौले वगैरह रखे हुए हैं, और इंग्लिश टॉयलेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, तो ये भी गजब की बात है।
पहाड़ों में आके और ऐसी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएं, एकदम शहरों वाली फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो इससे बढ़िया कुछ बात हो नहीं सकती है। और जहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, अगर बुकिंग करानी है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट होम स्टे ऑनर के नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही जो इसकी साइट है, गूगल साइट्स हैं, उन पे जाके भी आप विजिट कर सकते हैं और इस जानकारी ले सकते हैं, अपने बुकिंग करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है इस होम स्टे का जो यहाँ पर नया हो रखा था, वो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मुक्तेश्वर के इस खूबसूरत होम स्टे, हिल्स लाइव लवर होम स्टे की छोटी सी वीडियो, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और एक चीज़ और, इस होम स्टे में आने के लिए ना आपको गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गाड़ी आपको रोड पे खड़ी करनी होगी और रोड से एकदम विलेज लाइफ को होते हुए आप यहाँ पर करीब 600 से 700 मीटर की पैदल ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। बीच बीच में पूरे गाँव से होते हुए आएंगे, कहीं पर आपको जंगल ट्रैक मिलेगी और कहीं पर आपको पूरा गाँव का माहौल मिलेगा। तो इससे ये होगा ना, आप मुक्तेश्वर की लाइफ को भी देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग रहते हैं और किस प्रकार के यहाँ पे खेती करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखने और समझने को मिल जाएगी। बाकी ट्रैक काफ़ी मस्त रहने वाला है आपको, आपका इस पूरे जंगल को क्रॉस करते हुए, सामने पूरी पूरे गांव एरिया को क्रॉस करते हुए केवल 600-700 मीटर की ट्रैक है और रास्ता भी एकदम प्लेन प्लेन रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हमारे आ चुके हैं और उनने ना जब यहाँ पर रहे और उनने अपनी उसके बाद फीलिंग शेयर करी, बहुत अच्छा उन लोगों को लगा। तो कुछ रिव्यू भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे, कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे और यहाँ पर जो उन्होंने अनुभव किया ना, वो सारा चीज़ उन्होंने बताया। तो एक बार रिव्यू भी चेकआउट कर लीजिए, क्या कहते हैं लोग जो यहाँ पर आए इस होम स्टे के लिए। और बढ़िया लगा आके, बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है और खाना बहुत बढ़िया था। और जो ये शाम को वॉक कराया भैया ने हमको अपने फॉरेस्ट एरिया का और अपने इसका जो गार्डन है इनके, बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत मज़ा आया और ऑर्गेनिक फूड खाया, सारा कुछ बढ़िया, घर का सब चीज़ें घर की थी, कुछ भी बाहर का था ही नहीं, सिर्फ चावल और जीरा को छोड़ के बाकी सब घर का है, हर मसाले हर एक सब। मैं कुमार, यहाँ 3 दिन से रुका हुआ हिल्स लाइफ लवर होम स्टे, तो ये मेरा सेकंड टाइम, मुझे पहली बार में बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो मैं बच्चों के साथ आया था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो मुश्किल से मुझे अभी 2 ही हफ्ते हुए, तो मेरा ज़्यादा मन हुआ क्योंकि कुछ काम भी था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मेरे भैया के पास ही रुका जाए। और बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि यहाँ के इतना मुझे पीसफुल लगता है, इतनी शांति मिलती है, और क्योंकि फूड बहुत अच्छा है, दूध वगैरह की जो हमें चाहिए अपना देसी भोजन, तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं इस बार 3 दिन और रुका हूँ, बिल्कुल ऑल अलोन, बहुत पीसफुल। तो मैं रिकमेंड करूँगा, आओ एंड फील द रियल पीसफुलनेस ऑफ हिल्स स्टेइंग हियर। और ना दोस्तों, सुबह के समय में यहाँ पर आसपास बहुत सी बर्ड्स देखने को मिलती हैं और बर्ड्स वॉच की तरफ से भी हमारे पास 3 गेस्ट आए, उनने भी बहुत सारी शानदार पिक्चर्स ली हैं जो यहाँ पर सुबह के समय में चिड़ियाएँ आती हैं। हम तो उतना पहचानते नहीं हैं, बस चिड़ियों के नाम से ही जानते हैं। बाकी पिक्चर देखिए आप लोगों को, कितनी खूबसूरत लग रही हैं चिड़ियाएँ अभी। तो दोस्तों, फ़िलहाल हो रही है शाम और मैं लेता हूँ अपने ब्लॉग से विदा, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। इस खूबसूरत शाम के मौसम के साथ ही मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। आज का होम स्टे वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे जल्दी ही गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।